जन सरोकार मंच में आपका बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद। आपका परिचय है, जन्म आपका है 2/11/1972 अरवल जिला के विष्णुपुरा गांव में। शिक्षा एमए भूगोल व हिंदी है, एम लिप साइंस एलएलबी और पीएचडी है। कविता संग्रह आपके हैं एक ऐसी दुनिया की तलाश में, वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। हर मिनट एक घटना बोधि प्रकाशन जयपुर से है। पत्थरबाज साहित्य भंडार इलाहाबाद से है आपका। समकाल की आवाज 50 चयनित कविताएं हैं, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। एक अनागरिक का दुख वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से है। अब देखते हैं आपकी आलोचनाएं। शब्द साक्षी है, यस पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। और सदी की चौखट पर कविता अमन प्रकाशन कानपुर से है। अब देखते हैं आपके संपादन। संपादन है आपके पंचदीप बोधि प्रकाशन जयपुर से, युवा कविता का जनतंत्र साहित्य संस्थान गाजियाबाद से, बादल का वस्त्र केदारनाथ अग्रवाल पर केंद्रित है ज्योति प्रकाशन सोनीपत हरियाणा से। अगला देखते हैं, विकल्प है कविता ज्योति प्रकाशन सोनपत हरियाणा से। अंधकार के उस पार मुक्ति बोध पर आधारित ये आपका प्रकाशन है, आनंद प्रकाशन से है कोलकाता से। लोक सत्ता के प्रहरी सुरेश सेन निशांत पर केंद्रित शिल्पायन प्रकाशन नई दिल्ली से है। जहां कोई कबीर जिंदा है कुमार नयन पर केंद्रित है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली से। अब आपको कुछ सम्मान भी मिले हैं, उनको भी देखते हैं। शिव पूजन सहाय सम्मान पुरस्कार मिला हुआ है आपको, युवा शिखर साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला है, कुमार नयन स्मृति सम्मान 2022 में मिला है। अब एक पत्रिका है आपकी देशज पत्रिका का आप संपादन कर रहे हैं, वर्तमान में भी आप इसके संपादन है। संप्रति आपकी है शिक्षण संस्थान में कार्यरत है आप, और आप इस समय कहाँ रह रहे हैं? संपर्क आपका है मणिभवन संकट मोचन नगर आरा भोजपुर में। तो आज जैसे कि हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं देशज पत्रिका पे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो बात करते हैं कि सबसे पहले तो मैं एक कोड के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि देशज पत्रिका सिवान से हम तक कैसे पहुंची दिल्ली तक। तो यह देशज किसानी संदेशा लेकर आई है, या देशज किसानी संदेशा लेकर आई है सरस मधुर शीतल पुरवाई, सरस मधुर शीतल पुरवाई मेरे लिए अकेले मेरे लिए। सिवान से चलकर देशज दिल्ली आई है, सिवान से चलकर देशज दिल्ली आई है। और ये जो आपका अंक है ये आपका 11वां अंक है, अगस्त 2024 में प्रकाशित हुआ है। इसका विशेषांक है नई सदी नया किसान पर केंद्रित आपका विशेषांक है। तो आज इसमें हम विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि देशज पत्रिका का देशज नाम रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था? नमस्ते रिंकू कुशवाहा जी। नमस्कार। नमस्कार सर, बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। देशज पत्रिका के लिए कोई खास तो नहीं, लेकिन विशेष बात यह है कि पत्रिका निकालने का एक जुनून और शौक होता है, वो उसी पत्रिका को देख। तो देश में बड़ी बड़ी पत्रिकाएं जैसे धर्मयोग और सारिका जैसी पत्रिकाएं रही हैं, हंस निकल राजन यादव के समय से, प्रेमचंद की स्थापना किया हुआ उनके समय से, बल्कि कही लेकिन हम लोग मुलाकात हंस से राजन यादव जी के समय से हुआ। और जब मुलाकात हुई हंस पत्रिका की तो लगा कि बहुत तेवर है, तथा देश पत्रिका भी दिखाई दी और छोटी छोटी जगहों से बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती रही। अब सारी पत्रिकाएं लगभग
बंद पड़े हैं। कुछ एक पत्रिकाएं जैसे वागर्थ, हंस, अभी देशज या इस तरह से बहुत सारे साक्षात्कार और सरस्वती नाम की पत्रिका आ रही है, वो ये सब पत्रिकाएं अभी किस्सा नाम की पत्रिका आ रही है, वो सब चल रही हैं, लेकिन जितनी संख्या में पत्रिकाएं निकल उतनी नहीं निकल रही हैं, ये सच्चाई है। तो आरा में से 3-4 पत्रिका निकला करती थी, जैसे आम पत्रिका चंद्रभूषण तिवारी जी का, उसके 3 ही अंक निकले जिसकी व्यापक चर्चा हुई। जनपथ अनंत कुमार सिंह का अभी कुछ दिनों से नहीं निकल रही है। उसके बाद एक गुरु नाम क्या 1 या 2 अंक निकला, वो उसके बाद नहीं निकले, लेकिन देशज अभी कंटिन्यू कर रहा। तो देशज के नाम के पीछे मैं ढूंढता रहा कोई ऐसा नाम रखूं जिससे कि हमारे सौंधी गंध मिट्टी की खुशबू आए। तो देशज तो ऐसे मिट्टी की सुगंध के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि टॉप और रेप और दंती सजा होगा देशज भोजपुरी का जो टोन है, लेकिन दंती से मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कविता में प्रयोग किया है। तो हम लोग देखते हैं कि तत्सम तद्भव देशज विदेश, उसमें देशज जो शब्द लिखा हुआ है तलाविश है, और तलाविश शब्द मुझे बहुत पसंद है दंत शब्द अपेक्षा। तो मैंने सोचा कि कई लोग बोले भी कि देशज दे या दंती स दंत स और ज, हमने कहा कि नहीं, मेरा देशज वही रहेगा जो है। तो मैंने किया और डिसीजन लिया और मैंने निकाला। बाद में कोई समकालीन देशज नाम से पत्रिका निकालते हैं, कभी कभी फेसबुक पर दिखाई देता है या देशज समकालीन कर, तो खैर उससे मतलब नहीं है। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, ISSN नंबर लिया, हो गया, और उसका अंक निकला तो हो गए लगभग 15 साल होने जा रहे हैं, या 15 साल से कम ज्यादा बता रहे हैं, ईयर याद नहीं पड़ रहा है एग्जैक्ट। तो अब इस पर भी आलोचना होगी कि देखिए देशज के संपादक थे, इनको ईयर याद नहीं, लेकिन अभी थोड़े दूसरे मूड में थे हम, अब याद नहीं पड़ रहा है। तो उसका सुरिनाम के एक डॉक्टर और साहित्यकार ने उसका लोकार्पण किया था, और बद्री नारायण प्रोजेक्ट विदेशिया सुरिनाम हॉलैंड के कुछ लोग आए थे, उसी समारोह में नागरी प्रचारणी सभा में उसका लोकार्पण हुआ उस पत्रिका। इस तरह से नाम पड़ा और काफी पहले अंक से ही वो चर्चा में आ गया, जिसमें कई लोग छपे हैं, अरुण कमल, अनामिका, कुमार अंगू, देश के जितने भी प्रतिष्ठित नाम आप देख रहे हैं वो सब छपे हैं। तो ऐसा है, ऐसा कोई खास नहीं है कि मतलब देशज जो है वो कोई आस पास की चीज का है, आपके बीच का है, हमारे आस पास के गांव की पत्रिका कहिए, एक विकसित गांव की पत्रिका है देशज, इसीलिए मैं नाम जो अपने देश में जन्म लेने वाली हो। हाँ, तो मैंने साधारणतया ऐसे ही कोई बिना झंझट बिना किसी रुकावट का मैंने उसको निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि 11 आते आते इतना ज्यादा इसकी चर्चा हो। जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है आपसे कि अब तक देशज के 11 अंक आ चुके हैं, तो अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कुशवाहा जी। आप तो पढ़ाती हैं कॉलेज में, तो आप जानती हैं कि बच्चों को पत्रिकाओं की काफी जरूरत पड़ती है, और एक पत्रिका निकालना एक छोटे जगह से बहुत मुश्किल का काम है। एक तो कि एक रचना मंगाइए, उसके लिए अनुनय विनय करिए, फोन करिए, मोबाइल से फोन करिए, फिर याद दिलाइए कि आपको मैंने कहा था, फिर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, सब कुछ बार बार इंफॉर्मेशन दीजिए। तो उसमें से 100 में से आपको 20% इंफॉर्मेशन आएगा, बाकी इग्नोर होगा। हो सकता है कि कुछ कारण रहा हो, नहीं फुर्सत हो, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, एक तो रचना को लेकर के ये सब। लेकिन जो मैं खुद कवि हूँ तो मैं जानता हूँ
बिन मांगे इतनी रचनाएं आ जाती हैं जिसको मैं नहीं चाहता हूँ कि छपे, और क्यों नहीं छापता हूँ, मेरी पसंद की चीजें नहीं है, सब कुछ पसंद नहीं पड़ती है, तो ऐसे मेल भर जाता है। लेकिन मैं सबका जवाब देता हूँ, नेत्र उपयोग करे, सादर नमस्ते, ये सब मैं करता हूँ, ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ। और पत्रिका रचनात्मक सहयोग लोगों ने किया है, जिसने किया वो दिल से किया है, हृदय से किया, उसके बाद जो कठिनाई आती है सब लोग जानते हैं, वो है पैसे के लेकर, आर्थिक समस्या। तो सैलरी से घर फूक तमाशा देख पैसा जुटाओ, विज्ञापन लेकर के मैंने वो किया, फिर घर के पैसे लगाए, जब सब पैसे लग गए पत्रिका में पहले अंक से लेकर अभी तक, अब उसको भेजना, भेजने में कठिनाई ये है कि हर बार मिसिंग होती है, जैसे कोरोना में 500 प्रति मिसिंग हुई, कुमार नयन विशेषांक जो 10वां अंक निकला था देशज का, अब मैंने कहा था कि अब मैं नहीं निकालूंगा, अब यही ठप है, लेकिन पता नहीं दिमाग में कीड़ा अंदर है, फिर निकल गई पत्रिका एक किसान अंक। तो ऐसे फिर उसके पहले कुमार नयन अंक विशेषांक के पहले जो 90वें दशक के बहुत बड़े कवि थे जिनको इग्नोर किया 90वें दशक वाले कवियों ने भी, 8वें दशक के रचनाकारों ने भी, और हम तो उन पर किताब ही निकाले जो अभी आपने पढ़ी, जहाँ कोई कवि जिंदा है उन्हीं पर वो विशेषांक निकला जी। उसके पहले 70 से 75 में जन्मे कवियों को लेकर के मैंने वो किया, विशेषांक निकाला। इस तरह से फिर शाहबाद को लेकर के अंक निकाला, चार 5 विशेषांक का है, बाकी सब समान अंक है। और ये अंक आते आते इसी काफी चर्चा हुई, आप देख ही रही होंगी फेसबुक पर और ऐसे भी पत्र वगैरह, तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, भागदौड़ होते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस जाओ, छोड़ो उसको, फिर फोन करो कि मिली कि नहीं मिली आपको पत्रिका, मैंने बड़ा टीडियस वर्क है, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक वाला काम है कि आप भेजिए, फिर पूछिए और वहां से स्पीड पोस्ट करिए, तो मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा पत्रिका संपादन करने में। माँ का पेट टूट गया है तो उसी बीच में पत्रिका आ गई, और मैंने 8 दिन के अंदर सारे पोस्ट कर डाले, जो छुटपुट थोड़ा बचा हुआ था वो मैंने वो किया, उसमें भी जो 22-24 अंक लगभग मैंने साधारण अंक से भेजे थे, पैसे नहीं थे तो मैंने 10-10 रुपए के टिकट लगा करके भेजे थे, तो मैंने गया था वहां RMS में, मैंने कहा कि बताइए कितना का टिकट डालेंगे तो चला जाएगा, तो कहा कि 10 रुपए का डाल दीजिए चला जाएगा, लेकिन 1-2 लोग मिले, बाकी तो नहीं मिले, पता नहीं कहाँ अंक चला गया। अब प्रति खत्म हो, इतने ज्यादा डिमांड होते हैं उसके अंक, रिप्रिंट कराने मेरे बस की बात नहीं थी, तो कई प्रकाशकों ने कहा कि मैं किताब के रूप में इसे प्रकाशित करूंगा। तो ये कठिनाइयां निकालने में, या कॉर्पोरेट जगत से या कोई प्रकाशक द्वारा विशेष सहयोग से नहीं छपती हैं, तो ये सब दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कत जो है ये आने वाले समय में भी रहेंगे, 1-2 विज्ञापन मिल जाएंगे तो उससे काम नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार ज्ञापन नहीं देती पत्रिकाओं को, मध्य प्रदेश में मिलता है, वेस्ट बंगाल में भी शायद मिलता है, और छत्तीसगढ़ में भी तो काफी विज्ञापन मिलते हैं, मैं जब जब रायपुर गया तो मैंने देखा बड़ा बड़ा पेज का विज्ञापन, और पत्रिकाओं को काफी सहयोग किया, तो हमने देखा था कि ये पत्रिका का काम जो है वो बिना विज्ञापन के बिना संभव नहीं है। इस तरह से कठिनाइयां तो होती हैं और काफी होती है, उसमें परिवार का समय बहुत ज्यादा होता है, आप पत्नी का समय चुरा कर काम करते हैं, बेटे का बेटी का समय चुरा कर काम करते हैं, ये उनका समय है कि आप परिवार के साथ बातचीत करते रहते, वो छोड़कर सही बात काम करते हैं, 1-2 आप कविता लिखते हैं तो उसमें समय ज्यादा होता है, एकांत होते हैं, फिर आप पत्रिका ले लिए, फिर बीच में घरेलू परेशानियां आती हैं उनको झेलना पड़ता है, झेलना या करना पड़ता है, और चूंकि घर की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है तो करनी पड़ती है, और बहुत कठिनाइयां हैं, और बहुत सारी चीजें जो कह नहीं सकते, कोई उसका समाधान नहीं है, कोई हर नहीं सकता उसका, मेरा दुख को कोई हर नहीं सकता,
उसको हंस करके झेल देना है, काम करते रहना है। एक जुनून होना चाहिए पत्रिका निकालने की, तो वो जुनून अभी सवार है, काम कर रहा है। आप ये जुनून अपना हमेशा इसी तरह बनाए रखिए और साहित्य की सेवा करते रहिए और हम सब आपके साथ हैं। अगला सवाल हमारा सर आपसे ये है कि अभी देशज पत्रिका का 11वां अंक जो आया है वो किसान जीवन पर आधारित है, तो इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, तो ऐसा आपने क्या इसमें संपादन कर दिया है कि बहुत ज्यादा ये चर्चा लोगों के बीच में बनी हुई है, फेसबुक में भी व्हाट्सएप में भी, तो क्या ऐसा कारण है? आज ही अहमदाबाद से एक फोन आया, एक लड़की का फोन आया और वो काफी पढ़ी लिखी है अहमदाबाद से, आयुषी नाम की, मैं नाम ले लेता हूँ, और वो बहुत कई बार उन्होंने मैसेज किया, तो मैंने आज उनको पीडीएफ फाइल भेज दिया। उसमें हम बोले कि देखिए इसमें कुछ अशुद्धियां हैं और इसको इग्नोर करिएगा, तो बताया कि आप बता दीजिए किस किस में अशुद्धि है और क्या है, तो हम ये दो तीन आलेख थोड़े बहुत रह गए, तो इसको इग्नोर करके आप पढ़िएगा, तो मैंने आज भेजा। लेकिन मेरे दिमाग में था कि उनको भेजना है, तो मैंने कहा कि देखिए आयुषी जी, पत्रिका नहीं है और किताब की पत्रिका नहीं, इसकी पढ़ना बहुत जरूरी है और मुझे चाहिए, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा, शुद्धार्थी होंगे जो मांगेंगे कुछ इस तरह का विषय, तो उसमें से कट करके आप दे दीजिएगा, क्योंकि शुद्धार्थियों का बहुत होना है, शोध कर रहे हैं किसान का। किसान का जीवन, चूंकि घर किसान वाले घर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने करीबी से देखा है, मैंने हल भी जोता है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, और जो खेत खेत पे काम करते हैं, खेत पे जो काम करते हैं उनके लिए मैं खाना भी ले गया हूँ, और बहुत सारा वर्क मैंने देखा है खेतों में, तो ये दिमाग में था कि कुछ किसान को लेकर के मैं करूं। बहुत दिनों से दिमाग में ये बातें थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी, अब जाकर के वो पूरी हुई। तो ये कुमार नयन अंक के बाद ये अंक की तैयारी हुई, और तैयारी होने के बाद में इसमें अच्छा खासा समय लग गया, और समय लगा फिर एक तो प्रश्न मंगाने में, दूसरी बात कि जिन जिन लोगों से मैंने मांगा, जिनसे अपेक्षा थी, तो उन लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, फिर मैं कुछ नए लोगों के दिया कुछ, फिर और चूंकि हमने कहानी छापी नहीं थी कहाँ किसान से ले किसानों को लेकर के, क्यों नहीं छापनी थी, चूंकि शुरू से मेरी पत्रिका में वो छपी नहीं, तो मैंने कहानी का आलोचनात्मक, किसानी कहानी का आलोचनात्मक आलेख छापना है, उपन्यास को छापना है, आलोचनात्मक किसी भी विषय विधा पर हो उसे प्रकाशित करनी है, सिर्फ कहानी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कहानी के दुश्मन हूँ, कहानी में पढ़ता हूँ, लेकिन कविताएं और आलेख मैं लेकर चला, चलिए भाई इसको लेकर के मैं निकालता हूँ, तो लगभग सब 30-35 लोगों की कविताएं हैं, और इतना ही 24 आलेख सब लेकर के 240 पृष्ठ लगभग ये पत्रिका निकली, और आप पत्रिका दिखा सकते हैं, आपके पास होगा वो पत्रिका, मेरे पास आपकी ये पत्रिका है देशज, तो देख के बड़ी खुशी होती है कि आया, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है कवर का वो है युवराज शर्मा सर, जो मुंबई में रहते हैं, बड़े अभिनेता हैं, रंगकर्मी हैं और चित्रकार बहुत अच्छे हैं, उनके फेसबुक से मैंने देखा था, तो मैंने कहा था कि ये जो तस्वीर है, रेखांकन है, पेंटिंग है, ये मुझे चाहिए, उन्हें एक मिनट भी देर नहीं लगा, ओके कर दिए, हमने कहा कि इसको पत्रिका का कवर पेज पर लगाना है, इससे सौभाग्य की बात क्या हो, युवराज शर्मा सर को धन्यवाद दे रहा हूँ अगर देख रहे हैं। तो आलेख जो है वो सब किसान के जितने भी पहलू हैं, जो दुखाने वाले हैं और जो सुख देने वाले हैं, सुख देने वाले कम है, तो किसान का घर जो होता है बहुत ही संवेदनात्मक और आर्थिक
मक्की वाला होता है, ये मैंने देखा है। छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पंजाब हरियाणा किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका भी दुख उनका भी सुख है, इस पत्रिका में भी है और वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे छोटे छोटे जो खाता खेसरा खतियान वाले जो किसान हैं, वो बहुत मर्म को छूने वाले हैं। उनके बाल बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, लड़कियां कम एज में शादी हो जाती हैं, बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है, कर्ज में डूबे रहते हैं। आप आंध्रा में देखिए, उधर सब बहुत बुरा हाल है किसानों का। तो इस तरह से मेरे दिल को बहुत ये हुआ, टच किया। तो ऐसे आलेख भी हमने लिखवाए, उस पर जो पहला आलेख है टिप्पणी है वरुण कमल जी का है, फिर उसमें एक महत्वपूर्ण आलेख है महेश कटारे जी का, बड़े कथाकार संतोष बड़े कथक, और इस ऐसे बहुत सारे हैं। मैं किसका किसका नाम लूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, तकलीफ लग जाएगी। और अनामिका चक्रवर्ती कविताएं हैं उसमें बहुत अच्छी, सारी कविताएं अच्छी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे जो कविता की जो चर्चा हुई उसमें तो ज्यादा हुई तो नीलोत्पल की जो उज्जैन में है उनकी कविता की व्यापक चर्चा हुई, और संतोष चतुर्वेदी की भी काफी चर्चा हुई। ऋचा वर्मा के आलेख का प्रोफेसर भरत प्रसाद ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, गोरखपुर के रहने वाले हैं किसान परिवार से, उन्होंने बहुत अच्छा लेख दिया। ऐसे जब सामग्री को जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, सामग्री है, आप जब जनता के सामने पाठकों के बीच में लाएंगे तो स्वभावतः ऐसा लोगों को दिल को टच करेगा, छुएगा, आपको अच्छा लगेगा, पढ़कर भी अच्छा लगेगा, देखकर सुनकर अच्छा लगेगा, लोग आपस में बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। केवल जो राजनीति करते हैं किसानों पर, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम लोग काम करने वाले हैं, लोग हम लोग राजनीति करने वाले, हमने अपना काम कर दिया, काम खत्म हो गई। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा चर्चा हो जाएगी, ये बात सही है, चर्चा हो जाएगी। हाँ। लेकिन होगी, चर्चा तो हो गई और हो रही है, आज तक हो रही है। नागेंद्र जी संडे नवजीवन वाले जो संपादक हैं, उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी, फेसबुक पर लिखी, अखबारों में, सुभाष राय जी ने जन संदेश टाइम्स में भी दो दिन पहले उसमें छपा, उसके बाद कई जगह छपी हो और ज्यादा डिमांड हो, हम जानते तो और ज्यादा छपवाते हैं। खैर, इसकी सफलता से मैं खुश हूँ कि किसान की बात, जो मूल बात है किसान की, वो उनके यहाँ पहुंच रही है और किसान के घरों में भी पत्रिका गई है। आपको ये बात मैंने लिखी, ये बहुत नहीं, बड़ी बात है, संपादकों को लिखी नहीं है और न मैं संपादकीय में इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि हम लोग किसानी जीवन जीने वाले लोग हैं। उन घरों में जिन्होंने डिमांड किया कि नहीं हमें चाहिए, मैंने अपने हाथों से दिया, भिजवाया किसी के मार्फत, पढ़ते थे, पढ़ते भावुक हो जाते हैं, तो वैसे लोग मेरे असली पाठक है। ये सोशल मीडिया वाले मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पाठ है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो पढ़कर इतने भावुक हो रहे हैं, वो अभिव्यक्ति का जो शक्ति है वो नहीं है उनके पास कहने का, लेकिन वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़वा रहे हैं उनके घर में जो बच्चे, उनको लगता है कि कम से कम हमारी आवाज तो उठाई जा रही है, लोग हमें समझने वाले अभी भी है, हमारी व्यवस्था को लोग समझ रहे हैं अभी भी, तो वो इस वजह से बहुत ज्यादा खुश होते होंगे कि कम से कम जो भी हमारी समस्याएं हैं ये एक लेखन के माध्यम से जनता तक की चीजें पहुंच रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। एक सवाल और है सर मेरा आपसे, कि क्या मैंने ऐसा ज्यादातर सुना है कि जब कोई संपादन करता किसी लेखक से रचनाएं मंगाता है, तो क्या रचनाएं मंगाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
कई बार लेखक कह देता है कि ठीक है हम रचनाएं आपको भेज देंगे, लेकिन वो 2 महीने तक आपको कोई, पहले तो बोलेंगे ठीक है भेज देंगे, फिर 2 महीने तक आपको कोई जवाब नहीं देंगे, तीसरे महीने में कह देंगे कि हाँ अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, मेरे पास समय नहीं है। तो क्या ऐसी समस्याओं से आपको भी जूझना पड़ता है? हाँ, मैंने पहले कई कई बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बार बार रिक्वेस्ट ही नहीं करना पड़ता है, बहुत ये करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, चापलूसी टाइप करना पड़ता है कि काश उनका लेख मिल जाता, लेकिन मैंने इसको इग्नोर कर दिया। चापलूसी मैंने नहीं किया, मैंने कहा कि आपको देना है तो भाई हमें मित्र, हमें आदरणीय, हमें ये चाहिए और इतने समय तक चाहिए, ये अंतिम मौका है, आप देंगे तो ठीक है और नहीं देंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। अब नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं कई बार ऐसा होता है कि उनका लेख आता है, लेट आता है, तो उसकी वजह से आपकी पत्रिका का टाइम बढ़ जाता है, आपकी पत्रिका डिले हो जाती है, क्या ऐसा भी होता है? हुआ है, एक दो आलेख इसमें हुए हैं। तो खैर, एक तो कारण यह हुआ कि जैसे अवधेश प्रीत सर उनको चापलूसी और उनको वो नहीं करना पड़ा या कोई विशेष तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो उनसे मैंने कहा कि आप लेख दे दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन तब खराब होगी बेचारे के अंक जाते जाते वो नहीं कर पाए अवधेश जी, अवधेश प्रीत, लेकिन नहीं हम ले पाए उनसे। दूसरी बात, ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, और भी कई लोग हैं जो जिनको मैं लेना चाहता था, लेकिन अंतिम समय में आया, जब डाक भेज दिया तब जाकर मैंने भेजा। फिर क्या हुआ कि जब प्रकाशक को दिया छापने के लिए, उसने बहुत लेट कर दी और उसने बहुत परेशान किया। उसने क्या किया, मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए, फिर और पैसे दे दिए और समय लगा दिए, ये बहाना, आज छापेंगे, कल छापेंगे, परसों छापेंगे, ऐसा हो जाएगा, आप घबराइए मत, प्रूफ अधूरा देना, आधे सामग्री छपा हुआ, आधा नहीं छपा हुआ, आप बार बार भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये लेखक, संपादक और प्रकाशक तीनों का सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। धीरे धीरे सेट हो गया, जब पूरा फाइनल हो गया, फिर 3-4 महीने और लेट हो गए। मैं बहुत निराश हो गया कि पत्रिका नहीं निकलेगी और पैसा डूब गया। फिर बाद में थोड़ा प्रयास, पत्रिका आ गई, इस समय हम हॉस्पिटल में थे माँ को लेकर के, उसी समय पत्रिका आई और बोड़े में आई कुरियर से, उसके बाद सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाए और फिर आपके सामने पत्रिका पहुंची। तो इस तरह की दिक्कतें तो आती हैं कि आई रचना और नहीं छपी, और आई तब गई तब छपी, ये सब होता है। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बड़ी बात यह है कि इन सभी समस्याओं को पार करते हुए आपने इतनी बड़ी पत्रिका निकाली, ये बहुत बड़ी बात है। पापर बेलना जो मुहावरा है वो मुहावरा पत्रिका निकालने के लिए बहुत सटीक उदाहरण है। पापड़ बेलता है आदमी पत्रिका निकालना, ये दरअसल प्रबंधन का चीज है, दरअसल ये टीम वर्क है, कम से कम 4-5 आदमी चाहिए पत्रिका के लिए, 5 आदमी तो चाहिए ही, एक संपादक जो प्रश्नाएं मंगाए, एक आदमी सहायक संपादक जो सबको फोन करके रिमाइंड करवाए, तीसरा आदमी वो हो जो कि सारे सामग्री का प्रूफ देखे, चौथा आदमी वो हो जो कि जा करके पत्रिका को वहां से ले आए या किसी माध्यम से उसका समाधान करे, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल सोर्स जुटाए, इकोनॉमिकल या विज्ञापन जुटाए, चाहे पैसा ले वो है, पांचवा व्यक्ति वो व्यक्ति जो ले जाकर कुरियर करे, डाक में छोड़े। 5 आदमी का काम है एक पत्रिका में, जो कि मैं अकेला करता हूं, ये बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं रखते हैं 5 आदमी? 5 आदमी एक छोटे शहर में आप रखिएगा, 5 तरह के विचार आएंगे और सब गड़बड़ लगेगा आपको, संपादक के अनुरूप जब काम होगा तब आपको न छलेगा,
पांच आदमी पांच तरह, तो अच्छा पांच आदमी रखेगा तो फ्री रहेगा नहीं, और रहेगा आप कहेंगे तो पैसा लेगा तब ना पांच आदमी काम करेगा, उसको जॉब चाहिए। बिल्कुल जितना उसको पैसा देंगे उतना पत्रिका में पैसा लगाएंगे, जितने पांच आदमी सैलरी देंगे चार आदमी की अपना नहीं लिए वो पैसा तो हम पत्रिका में लगा देंगे, वो ज्यादा सही होगा। तो थोड़ा बाहर तो पड़ता है लेकिन काम हो जाता है, चल रहा है, कब तक चलेगा हमको नहीं पता, शायद आगे ना निकले, अभी तो आशा में है कि निकाला भी फेसबुक पर विषय क्या होगा, तो धीरे धीरे पछुआ वाला चाल में चलता रहेगा, वर्ष में एक ही आए लेकिन आए तो दमदार आए। हाँ थोड़ा देरी ही सही आए हो लेकिन दमदार आए। बिल्कुल चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यह है कि साहित्यिक पत्रिकाओं की संख्या में कमी आई है, तो ऐसा क्यों? एक तो बीच में 90 में कोरोना का आगमन हुआ और लगातार 20-21-22 पूरा चलता रहा कोरोना वायरस, पूरा फैला देश में विदेश में, और इस बीच में जो पत्रिकाएं निकल रही थी छोटी छोटी वो बंद होती गई और लोग रिस्पांस नहीं दिए, घर में दुबक गए, बहुत सारे संस्थान अभी घाटे में चल रहे हैं। कोरोना का बहुत असर है, अभी भी असर है, कोरोना का असर इकोनॉमिक रूप से काफी ये प्रभावित किया है। तो सोशल मीडिया पर अब जैसे देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में या इसको ई बुक में लाते हैं पढ़ने के लिए स्क्रीन पर पत्रिका को, वो मजा नहीं देता है जितना कि बुक फॉर्म में, एक पत्रिका के फॉर्म में एक कागज को हाथ में टच करने का और पढ़ने का जो सुख है उसका सुख कुछ और ही होता है। बिल्कुल अभी हाल मैंने अपने घर में डाइनिंग हॉल में मैंने एक लाइब्रेरी बनाया किताब रखने के लिए, देखा मैंने आपने फेसबुक में पोस्ट किया हुआ था, बहुत लोग किताबों को फेंक रहे हैं इधर उधर, सब सोशल मीडिया पर गूगल पर मिलता है, लेकिन हमने उसको स्थापित किया। अभी एक साइड का और मेरा काम बाकी है, वो भी होगा, धीरे धीरे सब चल रहा है। तो पढ़ने का जुनून शौक वहां बैठने पर पढ़ने का ऑटोमेटिक मन करने लगता है, कहीं से आए अब बिल्कुल कोई भी बैठ के कुछ पढ़ेगा फिर अपना चल जाएगा, तब से हम घर में शांति रहेगी, पढ़ाई हो रही है वहाँ, जबकि डाइनिंग हॉल है कुछ ना कोई कोई ना कुछ कुछ बोलेगा फिर भी नहीं, जाइए अपने ड्राइंग हॉल में बात करिए और यहाँ पर पढ़ने दीजिए। तो पत्रिका का होना बहुत जरूरी है हर घर। पहले आपको याद होगा कोई भी गेस्ट आते थे तो चाय के साथ चार पांच पत्रिकाएं घर में रखी हुई रहती थी, उसका लगता था कि पढ़ा लिखा घर, एडुकेटेड फैमिली का वो निशानी था, सिंबल था, चाहे वो इंडिया टुडे हो, आउटलुक हो, इस तरह की मैगजीन भी क्यों कोई भी पत्रिका हो, दीन मान जैसी पत्रिका रखी हुई रहती थी। तो ये पत्रिकाओं का होना बहुत जरूरी है, पत्रिका होने से समाज का अच्छा होना माना जाता है, एक परिवार अच्छा होता है तो एक समाज भी अच्छा होता है, कहते हैं ना कि परिवार भी एक समाज है, तो परिवार एक समाज है, तो समाज एक परिवार दो परिवार पांच परिवार या संयुक्त परिवार नहीं है तो एकल परिवार से भी वसुधैव कुटुंबकम, अगर पूरी दुनिया एक समाज है, एक घर है, घर की तरह एहसास हो, तो पूरा समाज अगर पत्रिकाओं के प्रभाव से, उसके अक्षरों से, उसके शब्दों से, उसके वाक्यों से अच्छा बन रहा है तो वैसे समाज बनाने में क्या दिक्कत है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है उसके लिए पत्रिकाएं। बच्चों को देखिए रात दिन लैपटॉप पर मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, अनावश्यक कामों में व्यस्त रहते हैं, पहले लोग ट्रेन में यात्रा करते थे पत्रिका खरीद करके तब बैठते थे, आजकल बच्चों को देखिए आलतू फालतू चीजें में 24 आवर उस समय बिता रहे हैं, आंख खराब कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं, पढ़ाई के नाम पर गार्जियन से झूठ बोलना, मैं तो देख रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसके बाद कुछ नहीं, और अच्छे अच्छे लोग इसी किरपत में है मोबाइल के इंटरनेट के,
गांधी से अच्छी चीजें यहाँ मौजूद हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि क्या देखना है, क्या पढ़ना है, लेकिन एक उसका लिखना पढ़ना और एक कागज पर लिखना पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर। वो पत्रिका किताबें घर में रहना एक सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात नहीं है। और जिस घर में किताब नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसा मानते हैं। जिस किताब, जिस घर, आपका मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तो किताब से पढ़कर जितना हम आत्मसात कर सकते हैं उतना हम सोशल साइट ऑनलाइन पढ़कर के हम चीजों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी प्रामाणिकता जो होती है वो ऑनलाइन नहीं होती है जितनी प्रामाणिकता हमें किताबों में मिलती है, और सारी चीजें बंदी बंदाई एक साथ एक जगह मिल जाती है, तो हम उसमें कोरिलेट करके देख पाते हैं कि क्या चीजें गलत है क्या सही है। तो आज की जो हमारी युवा जनरेशन है तो वो कहाँ किताब पढ़ती है, ना टेक्स्ट बुक पढ़ती है, कुछ नहीं, वो तो पूरी उसकी डिपेंडेंसी गूगल पे है, ऑनलाइन इतने तमाम सारे साइट्स बने हुए हैं, चैनल हैं, बच्चे वहां से पढ़ते हैं और सतही ज्ञान अर्जित करके वही ज्ञान झूठा ज्ञान लोगों तक पहुंचा। वैसे ही लड़के प्रेमचंद को प्रेमचंद बोलते हैं, बिल्कुल। कोई नहीं, बढ़ते हैं हम एक अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि आगामी देशज पत्रिका को लेकर आपकी क्या योजना है और वो किस विषय पर केंद्रित होगी? अभी तो मैंने फेसबुक पर विषय मांगा है तो ज्यादातर दो विषय ज्यादा आए हैं। एक आया है युद्ध को लेकर के, दूसरे आया है सांप्रदायिकता, जाति धर्म वगैरह को लेकर के, और नेता को लेकर के, इस तरह से जितना मेरे स्मरण में है इस सब विषयों को लेकर के, कि आप भाषा को लेकर के, कि साहित्य भाषा और अनुवाद को लेकर के, कि अनुवाद छापी विशेषांक इस तरह से लेकर। अच्छा, तो है। और मेरे दिमाग में जो अभी चल रहा है, आज सेवाराम त्रिपाठी ने लिखा है आदिवासी की त्रास, तो आदिवासियों को लेकर के मैं दिमाग में बात बन रही है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। वैसे दलितों को लेकर के बना, दलितों पर तो हंस ने काफी निकाला है, दलित अंक और बहुत सारी पत्रिकाओं ने निकाला है। आदिवासी अभी भी बहुत पीछे है, उनको लेकर के दिमाग में बात बन रही है। लेकिन जितने भी सुझाव आए मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा एक राय बन जाए दिमाग में जो स्पार्क करे, तो मैं तुरंत ही उस पर रचना मंगाने की कोशिश करूंगा, जारी करूंगा। तब तक ये देशज का जो किताब का रूप है वो आ जाएगी, तो उसमें मैं काम लगा दूंगा और फिर कोशिश करूंगा। तो ये है आगे, बिल्कुल अच्छा विषय है आपका, ये फाइनल नहीं है लेकिन दिमाग में बातें बन रही हैं उनको लेकर के। जी 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 जी, बढ़ते हैं आप। मैंने बोकारो में, याराची में, रामगढ़ में, सिंदरी में, और कोयला खदानों में से कोयला निकाल कर आते हैं और हम लोग उपयोग करते हैं, मैदानी भाग के लोग, वहाँ के जो आदिवासी वो जीव कहते हैं वैसे ही आज, इतना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये सब चीज दिमाग में बात करती है, जैसे किसानों को लेकर के बना, जैसे और चीजों को लेकर बन जाता है, लेकिन ये मेरे दिमाग में हंट कर रहा है धीरे धीरे, देखते हैं क्या होता है आगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपका क्वेश्चन का मैं स्वागत करता हूँ, आपने इस तरह का क्वेश्चन किया, शुक्रिया सर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आपसे यह है कि आप स्वयं कवि हैं, देशज में किस प्रकार की कविताओं का चयन करना पसंद करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और कठिन सवाल है।
पहला तो ये कि मैं कवि होते हुए मैं लगभग 10 या 15 कविताओं का डिमांड करता हूँ। 5 कविता में मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता, मिनिमम 10 कविताएं आती हैं। तो अगर 10 अच्छी है तो मैं 10 छाप देता हूँ। जैसे 32 कविताएं नीलोत्पल की आई आई थी किसान, तो मैंने सोचा था उसमें से चुना था कि 5 से 6 छापूंगा, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो वो भी अच्छा लगे। हम लोग अरे भाई ये सब छापने लगे, मैं 32 छाप दिया, 32 की 32 कविताएं छापते हैं। नीलोत्पल ने कहा कि अरे सब टोटल छाप दिए, हमको अच्छी लगी तो मैंने छाप दिया, बहुत खुश हुए। तो ऐसे करके असलम हसन की कविता 2 आई थी तो मैंने अच्छा लगा। अभिनव कुमार उपाध्याय की 5, 6 या 7 कविताएं थी, उसमें 1 कविता अच्छी लगी तो मैंने 1 कविता छापी। उसका परिणाम देखिए कि चर्चा में है, जो अच्छी लगती है उसे छापना चाहिए, जो अच्छी नहीं लगती किसी और संपादक को मौका, हो सकता है कि और संपादक को अच्छा लग जाए उस कविता को। हम लोग कविताएं भेजते हैं खुद ही, कम से कम 5-7 भेजते हैं, यानी तो बोल देते हैं फोन से कि मेरे पास 3 ही है, 2 बच्ची है, अगर ये अच्छी लग रही है तो छापिएगा, और नहीं अच्छी लगी तो भाई आप बोल दीजिएगा, हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं लगेगी। अब पहले वाली बात नहीं कि खूब रचना भेज रहे हैं, नहीं छपी तो रोने लगे, दुखी हो गए, फिर भेज दिए। पहले तक जुनून था ना, हर एक संडे को कविता लिखी हुई है, डालना, ये करना, वो करना, जी तो सब चीजें नहीं रहे। तो जो अच्छी होती है तो किसान को लेकर के इसमें बेहतरीन कविताएं आई और अच्छी कविता। संतोष चतुर्वेदी की कविता का मैं पाठ करती हूँ कि कहते हैं कि शुरू शुरू में धरती और आकाश, कहते हैं शुरू शुरू में धरती और आकाश पास पास हुआ करते थे, पास पास हुआ करते थे, इतने पास कि अपने हाथों से कोई भी छू सकता था आकाश, अपने हाथों से कोई भी छू सकता था आकाश। धान कूटती एक स्त्री के मूसल का सिरा, किसका मूसल का सिरा, टकराया जब आकाश से, किससे टकराया, टकराया जब आकाश से, तब दूर बहुत दूर गया आकाश, तब दूर बहुत दूर चला गया आकाश। हमारी परंपराओं से आज भी सिद्दत से जुड़ा है धान, सिद्दत से जुड़ा है धान, और रिश्ते जोड़ने में यही आता है काम। जब भी मिलते हैं आपस में दो लोगों के धान, उनके प्राण जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ धान के लावा की तरह फैलती जाती है वंश वेल यश कीर्ति। धान है तो पुआल है, क्या है, धान है तो पुआल है, और पुआल है तो जीवन की ऊष्मा है, और धरती पर बचे रहने का करिश्मा है। मुनादी कर रहे हैं किसान कि जब तक खेतों में उगते रहेंगे धान, तब तक बचा रहेगा मनुष्यता का सम्मान। ये संतोष चतुर्वेदी की कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। बहुत अच्छा पाठ किया आपने, शुक्रिया आपको। और ये कविता, धन्यवाद सर, सब लोग सबसे पहले इस कविता को पढ़े हैं और फिर बहुत अच्छी आगे कविता। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा आपसे है कि इतने छोटे शहर आरस या पत्रिका निकालते हैं आपको क्या क्या कठिनाइयां होती हैं? अपनी बातों में तो मैंने जिक्र कर चुका हूँ, मूलतः जो कठिनाइयां हैं उसमें विज्ञापन को लेकर के, पैसों को लेकर के, और कठिन करने वाले आदमी को लेकर के। पढ़ा लिखा हुआ शहर है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ पे कई स्कूल्स हैं, सब हैं,
लेकिन पत्रिका पढ़ने को फुर्सत और जानने को छपवाने को छपने का किसको है, ये वाहियात काम लोग समझते हैं, कहते हैं कि पगला गया है, सब आलतू फालतू काम कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। आप दो चार लड़कों को खड़ा कर दीजिए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, कोई गलती से मिल गया सही आदमी तब तो काम होगा। पहले करीब करीब 10 साल पहले मैंने 4-5 लड़कों को आराम से तैयार किया, आज वो अच्छे कवि, पाठ करना सुनना ये करना वो करना, उनका सहयोग भी मैंने लिया पत्रिका में और उनसे बातचीत भी हुई और मैंने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया। मैंने उसमें ये नहीं लगाया कि ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। कई बार होता है ना कि संपादक को जो मोनोपोली होती है वही पसंद हुआ तो वही छापेगा, उन लोगों को पसंद की रचनाएं छपी। इसमें जो मूल समस्या है पढ़े लिखे लड़के जो या बेरोजगार है जो सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग नहीं करते, वो बेरोजगारी से त्रस्त, वो आपकी पत्रिका क्या सहयोग करेंगे, इकोनॉमिक रूप से नहीं, प्रूफ देखना हो, कागज की जगह करना हो या कोई और काम, पत्रिका का अधिकांश काम जो छोटे 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 जो काम है उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि जब फ्री करेगा ये काम फ्री से करवाना है, पेमेंट करना नहीं है तो कोई फ्री काम करेगा नहीं, तो ये कठिनाई। दूसरी कठिनाई जो है वो विज्ञापन का है, वहां तो मैं जाता था 500-500 रुपए 1-1000 रुपए लेकर के स्कूल से दुकानों से और मैं छपवाता था विज्ञापन लेकर के पत्रिका के लिए, जैसे भिक्षाटन मांगा जाता था वैसे, उससे भी नहीं हुआ तब घर से जो सैलरी मिल गई उसमें से पैसा बचा बचा करके निकाला, देखिए निकाला। ये कठिनाइयां होती हैं, बड़े शहरों में 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 विज्ञापन मिल तो 2-3 पत्रिकाओं का काम आपका हो गया। ये दरअसल काम बिहार सरकार जहां मैं हूं उनको चाहिए कि उनके विज्ञापन दें, पत्रिका को बढ़ावा देने के लिए, पत्रिका के प्रकाशन देने के लिए, और जितने भी हिंदी की संस्थान है बिहार वहां से एक भी पत्रिका नहीं निकलती, एक नहीं है ना एक विज्ञापन है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अपने बलबूते पर निकलते हैं, किसी का कोई वो नहीं, तो कठिनाइयां तो होती है बिल्कुल, कोई भी काम करते हैं तो कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ता है, कुछ बड़ा करना है तो फिर बहुत कुछ त्यागना भी पड़ेगा। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि देशज पत्रिका में अब तक कौन से प्रमुख रचनाकार प्रकाशित हुए हैं? मैंने बताया उसमें उदय प्रकाश भी छपे हैं, कुमार अंबुज भी छपे हैं, अरुण कमल भी छपे हैं, अनामिका छपी हैं, बहुत सारे प्रेम शुक्ल को भी मैंने छापा है और बद्री नारायण छपे हैं, कई लोग भरत प्रसाद जी छपे हैं, पंकज चतुर्वेदी को भी मैंने छापा है। स्मरण में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो हमारी पत्रिका में छपे हैं, चंद्रकांत देवताले जी को मैंने छपा है उनका इंटरव्यू, और भगवत रावत जी को भी मैंने छपा है उनका भी इंटरव्यू, वो सब पुरानी पत्रिकाएं हो चुकी हैं। स्मरण में यही आ रहा है प्रभाकर माचवे का एक इंटरव्यू मैंने छापा है, जिन्होंने छाता का उनका एक इंटरव्यू छापा, और ऐसे बहुत सारे हैं साहित्यकार जिनका मैं बहुत स्मरण में, मैं लोग क्षमा करेंगे हमारे देश पत्रिका में छपे नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो याद नहीं है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, अचानक इतना क्वेश्चन आया, लेकिन लाभ सब लोग नए से पुराने लोग छपे और सबको मैं आगे भी छापूंगा, जो पुराने उनको भी आदर पूर्वक, जो नए लिख रहे हैं एकदम नए लिख रहे हैं उनको भी एकदम नए पर तो मैं बहुत ज्यादा प्रश्न देता हूँ, लिखें वो जाने पढ़ें और वो देशज पत्रिका का सहयोग करें, हम उनका आभार प्रकट करेंगे और कर ही रहे हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें हैं और लोग छप रहे हैं, अब कोई बिल्कुल गुमान नहीं है कि एक संपादक हैं तो
ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तब दिखाएंगे वो करेंगे, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी है और जमीन की बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं, हवा में गोली फायर नहीं उड़ करते हैं, हम लोग आराम से करते हैं। बहुत सारे घमंड में रहते हैं, निकालते हैं और ये करते हैं, तो रहे अपने घर में खुश रहे, हम भी अपने घर में खुश रहे, इसमें क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अब लास्ट हमारा प्रश्न आपसे है कि आपकी देशज पत्रिका कविता प्रधान पत्रिका सी लगती है, तो इसमें एक भी कहानी कभी नहीं छपती है, ऐसा क्यों? एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये इल्जाम लगाए जाते हैं हम, लेकिन ये इल्जाम इसलिए खर्च करता हूँ कि क्या मैंने कहानी का ठेका ले रखा है और पत्रिकाएं क्या करेंगी, और जितनी पत्रिकाएं हैं अभी में तो स्वाभाविक प्रेम होगा, तो मैं कविता का परिचय देता हूँ, उसका इम्पोर्टेंस देता हूँ। इवन किसान अंक निकाला तो किसान अंक में करीब करीब ज्यादा से ज्यादा संख्या में कविताएं छपा हूँ, किसानों पर, खेतों पर, फार्मिंग पर, और हल बैल कुदाल पर, और आलेख भी मैंने छापा है, उसमें कहानियों का भी जिक्र है, उपन्यास का भी जिक्र है, ये ऐसा नहीं है कि कहानी से है, लेकिन शुरू से ही ये है कि हम कविता और आलोचनात्मक लेख छापेंगे, तो समीक्षा नहीं, आलोचनात्मक आलेख और कविता, यही दोनों की प्रधानता रहेगी, इसी को लेकर हम छापते हैं, इसी के लेकर के मेरी आइडेंटिटी है पत्रिका की। इवन किसान केंद्रित अंक जो निकला है नई सदी में किसान, उसका तो ये सब है, चल रहा है और आप लोग का सहयोग है, इसलिए सब काम हो जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना ही कहूंगा। बाकी आप किसान जीवन पर आधारित कविता हो कोई, शीर्षक है खेतों में पांव रोकता राजकुमार, वह रात में भी दौड़ता है दिन में किसानों के पास, किसी गरीब गुरबे पर हो जाता है मेहरबान, खेतों में पांव रोकता है राजकुमार, लेता है वह खाट पर बैठने का मजा, आसमान फोड़ने की बात करता है, दो कुदाल चलाने का भी अनुभव नहीं है जिसके पास, कर लेता है जुगाड़ झोली भरने की वोटों से, गन्ने का रस मार लेता है गिलास दो गिलास, लिबास सीधा साधा ही होता है, चमचमाते कार से उतरता है और खेतों में पांव रोकता है राजकुमार, और खेतों में पांव रोकता है राजकुमार, यही कविता है। बहुत बहुत अच्छी कविता आपकी। तो आज इतना, आपने आगे क्या, आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब बहुत सहजता, सरलता और धैर्य के साथ जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन। शुक्रिया आपका भी, नमस्ते, पुनः आने का मौका दिया और फिर मिलेंगे आपसे जरूर, बातचीत होगी, अभी कई जगह बातचीत हो रही है और आज ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपने अपना मूल्य समय दिया इस जन सरोकार मंच को, मेरी तरफ से जन सरोकार मंच का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिवादन। मिलते हैं फिर, नमस्ते, नमस्ते।